राजधानी लखनऊ की शान हिंदुस्तान हस्तशिल्प महोत्सव लगातार हर वर्ष अलग अंदाज में इस महोत्सव को लगाया जाता है। दूर दराज से लोग इस महोत्सव में हस्तकला से निर्मित वस्तुओं का प्रदर्शनी को लगाने आते हैं। हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए अरुण प्रताप सिंह है जो इसके कहीं ना कहीं आयोजक है। उनकी एक बड़ी टीम जो इस आयोजन को करती है और लगातार हर वर्ष इस उत्सव को अलग अंदाज में लगाती है और कुछ खास लखनऊ की जनता के लिए लेकर आती है। लखनऊ के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों से लोग आते हैं। अरुण जी, क्या कुछ खास इस बार हस्तशिल्प महोत्सव में देखने को मिल रहा है? विक्रम जी, धन्यवाद आपको इस कवरेज के लिए और आप सबके पत्रकार भाइयों के और मीडिया जर्नलिस्ट के माध्यम से मैं आप सबको ये अवगत कराना चाहूँगा कि ये महोत्सव राष्ट्र को समर्पित महोत्सव है, देश को, प्रदेश को समर्पित महोत्सव है। आप अभी 4 बजे के बाद देखेंगे तो संपूर्ण परिसर महोत्सव स्थल और उसके सराउंडिंग जो चारों तरफ की रोडें हैं वो रोडें सब तिरंगा कलर में जलती हुई नजर आएंगी। रोडों पे सजावट तिरंगा के कलर में की गई है और तिरंगा के कलर पे करने का मतलब है कि हम सब समाजसेवी हैं। हमारी जो भावना है वो राष्ट्र प्रथम हित की भावना है, तो हम राष्ट्र प्रथम हित की भावना से कार्य करते हैं। उसी को दृष्टिगत रखते हुए हमने यहाँ पे तिरंगा थीम दिया है और तिरंगा थीम के साथ साथ आप देख रहे होंगे पीछे बैकग्राफ भी लगा है। जिस नाम से महोत्सव होता है उसका नाम भी हिंदुस्तान है। बिल्कुल बिल्कुल, तो हिंदुस्तान महोत्सव है। हिंदुस्तान महोत्सव के अंतर्गत जितने भी देश के 28 राज्यों से जो हस्तशिल्प उत्पाद हैं उनको समस्त प्रदेशों से बुलाने का काम भी किया गया है। उनके स्टॉले आ रहे हैं अभी। आप अपने कहीं ना कहीं एक जनता है, एक आकर्षण का केंद्र हर जगह होता है। इस महोत्सव में हस्तशिल्प में आकर्षण का क्या प्रमुख आपको केंद्र लगा जो कहीं ना कहीं लोगों को खींचेगा? देखिए, दो चीजें होती हैं कि जब पहले भी मैं कह चुका हूं कि राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं है। जब तिरंगा दिखता है तो लोग आकर्षित होते हैं, हम जुनून आता है। अभी भी आप देख रहे होंगे तिरंगा के नाम पे मेरे रोए रोए खड़े हैं। तो मैं जो है अपने देश को अपनी प्राथमिकता देता हूं, अपने प्रदेश को प्राथमिकता देता हूं। ये धरती है, भारत देश की धरती है, हमने यहाँ जन्म लिया है, तो राष्ट्र हमारे दिल में, हमारे जिगर में, हर जगह हमारी चीजों में तिरंगा ही नजर आता है। तो सबसे पहले हम अपने राष्ट्र को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं और तिरंगे को देख करके लोग यहाँ तो आकर्षित हो ही रहे हैं। उसके साथ साथ आप झूले पे जाएंगे तो अभी तक मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि प्रदेश में इतना बड़ा महोत्सव कहीं नहीं हुआ है कि जो 26 बड़े झूले कहीं लगाए गए हो। 26 प्रकार के बड़े झूले हैं, उसमें 2-4 झूले ऐसे आपको मिलेंगे जो आपने अभी तक प्रदेश में कभी कहीं देखा ही नहीं होगा। अब ये ख्याल आता है किसी भी बड़े आयोजन में कि कहीं ना कहीं सुरक्षा, इसके लिए कहीं ना कहीं एक बड़ी टीम आपकी धरातल पर काम करती हुई नजर आती है। किस तरह की व्यवस्थाएं की गई है कि कोई भी मान लीजिए छोटी से छोटी भी घटना हो तो टीम पूरी एक्टिव होकर तुरंत पहुंच जाए। बिल्कुल सही क्वेश्चन रहा विक्रम जी आपका। मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि देखिए, हम लोग प्रशासनिक सेवाओं को भी तरजीह देते हैं और हमारे हम समाज सेवी हैं। हमारी दोनों संस्थाएं माँ गायत्री जन सेवा संस्थान एवं निशु वेलफेयर फाउंडेशन के तहत वर्ष में 2 कार्यक्रम मैं प्रशासनिक करता हूं, पुलिस सम्मान के लिए करता हूं और मैं बड़े गर्व के साथ, बड़े अभिमान के साथ कहूंगा कि यहां पर जिस तरीके से हमें प्रशासनिक चीजें उपलब्ध कराई गई हैं, प्रशासनिक जो सुविधाएं हमको मिल रही हैं, स्थानीय पुलिस की सुविधा मिली हुई है, स्थानीय पीएससी की सुविधा मिली हुई है, तो मैं प्रशासनिक चीजों पर यह कहूंगा कि यहाँ पर सारी सुविधाएं पुलिस की पीएससी के चुस्त दुरुस्त हैं और सीसीटीवी कैमरे लगभग 300 के आसपास सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं जो तीनों गेटों को कवर कर रहे हैं। यहाँ तक आप देखिए सामने मंच पे भी 4 कैमरे लग दिख रहे हैं। ऑफिस से लेकर के जितने भी स्टॉल हैं उन सारे कॉर्नर्स पे सब कैमरे लगाए गए हैं, पार्किंग में कैमरे लगाए गए हैं। अच्छा अरुण जी, हमने देखा पूर्व में जब महोत्सव लगता था तो पब्लिक इतनी ज्यादा हो जाती थी, संभाल नहीं पाते थे और कहीं ना कहीं पार्किंग में अव्यवस्था हो जाती थी, तो पार्किंग को भी लेकर हमने देखा है कि सड़कों पर भी लोग बाइक खड़ी कर देते हैं। इस बड़ी चुनौती, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस भी कहीं ना कहीं इससे जूझती है, इसके लिए क्या पुख्ता इंतजाम? बिल्कुल बिल्कुल सही है। लेकिन देखिए, हमने दोनों तरफ गेट नंबर 4 पे और गेट नंबर 5 पे हमारी दोनों तरफ जो हमारी पार्किंग की जो जहाँ पे थोड़ा सा पत्थर वाली एरिया है जहाँ पे लोग गाड़ी अननेसेसरी पार्क कर देते हैं, जहाँ पे नो पार्किंग जोन का बोर्ड भी लगवा दिया है हमने, आवश्यक सूचना के बोर्ड लगवा दिए हैं, स्थानीय पुलिस के आज्ञा से वहाँ बोर्ड लगा हुआ है कि यहाँ पे किसी भी तरीके की कार पार्किंग नहीं की जाएगी, मोटरसाइकिल पार्किंग नहीं की जाएगी। उस पे साफ साफ लिखा हुआ है कि महोत्सव स्थल पर समुचित पार्किंग की व्यवस्था की गई है। अगर कोई व्यक्ति गाड़ी अगर नो पार्किंग में खड़ी करता है, अगर गाड़ी चोरी होती है तो उसकी स्वयं की जिम्मेदारी होती है और जिम्मेदारी होने के साथ साथ गाड़ी अगर नो पार्किंग जोन में है तो स्थानीय पुलिस का दायित्व भी बनता है कि इसको चालान कट करके इसको जो है थाने में कार्रवाई की जाएगी। हिंदुस्तान महोत्सव, जितना बड़ा नाम लगता है उतनी बड़ी टीम,
किन लोगों का भरपूर सहयोग मिल रहा है इस पूरे महोत्सव को संभालने में, संचालन करने में, अलग अलग व्यवस्था देखने में, मैंने कहा जो हाथ की तरह आपके लिए काम कर रहे हैं। बिल्कुल, ये मैं कहूंगा कि देखिए हमारी बहुत टीम है, टीम एजी है, टीम एजी अरुण एंड गुंजन, उसका मैंने एक ग्रुप बनाया है और वो टीम एजी फैमिली के साथ काम करती है। तो मैं सबको अलग अलग जिम्मेदारियां दी हूँ। हमारे लेफ्ट एंड राइट में देख रहे होंगे कि मंच के संचालक हैं, जो एक हमारे प्रवक्ता हैं, ये कार्य संस्था के संयोजक हैं, दोनों हमारे राष्ट्रीय संचालक हैं। सारे कार्यक्रम हमारे जो है वो ये अपने पद को निर्वहन करते हुए दोनों लोग निःशुल्क तरीके से इसका मन संचालन करते हैं, अपने पद का निर्वहन करते हैं, जो इनका एक दायित्व है उसका निर्वहन करते हैं। और इसके साथ साथ बहुत बड़ी टीम है। आज मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूँ कि मेरे साथ बहुत बड़ी टीम है। इधर प्रदीप जी हैं, इधर मनीष पंडित जी हैं, और आप बैनर पे देख रहे हैं विनय दुबे जी हैं, रणवीर सिंह जी हैं, हेमू चौरसिया जी हैं, और मेरे राइट में देख रहे होंगे कि गुंजन जी हैं। और गुंजन जी के साथ साथ अभी हमारा एक बाहर बोर्ड लगा हुआ है, आप उसको जरूर कवर करिएगा, उसमें हमारे संस्था के समस्त संरक्षक मंडल की फोटो लगी हुई है। हमारे संस्था के जितने भी हमारे इस आयोजन समिति के लोग हैं, पदाधिकारी, उनकी फोटो लगी है। तो मैं बड़े प्राउडली मैं इस चीज को कहूंगा कि हमारे साथ, और जब व्यक्ति जो समाज सेवी होता है और वो सबको लेकर के साथ चलने का प्रयास करता है, तो उसके साथ कारवा बढ़ता जाता है। अरुण जी, आखिरी सवाल है, लखनऊ की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता, अलग अलग जिलों से हम सुन रहे हैं कि इस महोत्सव में लोग आ रहे हैं, क्या कुछ अपील करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो जनता से सिर्फ यही अपील करूंगा कि जो है, मैंने कभी अपने आप को पैसा कमाने के जरिए मैंने कोई कार्यक्रम नहीं किया है। सत्यता यही है कि आप देख रहे होंगे, और आप 12-14 वर्षों से हमारी समाज सेवा को भी आप देख रहे हैं कि हम कभी कोई पैसा लेकर के कार्यक्रम नहीं करते हैं। हमारा कार्यक्रम सदैव निःशुल्क होता है, और इतना बड़ा विशाल मंच हमने निःशुल्क रखा है। इसमें LED भी है, इसमें साउंड भी है, इसमें जो लोग जिसके अंदर टैलेंट है, जो अपने प्रतिभा का प्रदर्शन हमारे मंच के माध्यम से करना चाहते हैं, वो निःशुल्क मंच उपलब्ध है। हमारे साथ प्रदीप जी हैं, मनीष जी हैं, गुंजन जी का सांस्कृतिक कार्यक्रम का पूरा प्रभार संभाल रही हैं, तो हमारे से वो संपर्क कर सकते हैं। ये मंच उनको चाहे सम्मान सेवा के लिए, चाहे वो उनके प्रदर्शन के लिए, चाहे उनके प्रतिभा के प्रदर्शन के लिए, व किसी भी तरह का साहित्यिक सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसे प्रतिवर्ष लोग करते आते हैं, वैसे लोग कर रहे हैं, उनके लिए ये निःशुल्क मेरा मंच है। किसी से एक रुपये का सहयोग नहीं लिया जाता है, और साथ ही साथ यहाँ पे प्रत्येक चिन्ह, हाँ बिल्कुल, जो कलाकार आएंगे, जो हमारे प्रदर्शन लोक कला के, जो हमारे कला सम्मानित कलाकार आएंगे, उनको यहाँ से संस्था के द्वारा अंगवस्त्र, प्रतीक चिन्ह, पुष्प गुच्छ दे करके उनको यहाँ से सा सम्मान विदाई की जाती है। और ये मंच, मैं आपको बड़े इसको उसके साथ कहूंगा कि ये बड़ा गरिमामय मंच है, यहाँ से कोई खाली हाथ कभी नहीं जाता। चलिए अरुण जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। थैंक यू विक्रम जी। ये थे अरुण, संचालन आप कर रहे हैं। जी जी, इतना बड़ा मंच, नाम की तरह मंच भी है हिंदुस्तान, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या अलग देखने को मिला है इस बार? सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस मंच की खास बात ये है कि ये मंच हमारे साथ मनीष पंडित जी भी हैं, जो कि मेरा साथ देते हैं, छोटे भाई हैं हमारे, हम दोनों ही इस मंच में, जो भी उत्तर प्रदेश में जितने भी लोक कलाकार आते हैं, उनकी कला को, उनकी जो भी हुनर होता है उसको आगे बढ़ाने के लिए, जैसा कि हिंदुस्तान शिल्प महोत्सव की एक सोच है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करते हुए हम अपनी संस्कृति, परंपराओं, तीज त्यौहारों को लेके भी चलते हैं। और हमारा मंच, जो लोग अपने, जो अपने इतिहास, सत्य सनातन शाश्वत में जो है उस चीज को लेकर के हम इसको आगे बढ़ाते हैं, और जो भी बच्चे यहाँ अपना अभिनय या जो भी नृत्य, भावनात्मक नृत्य, चाहे भरतनाट्यम हो, चाहे कुचिपुड़ी हो, चाहे कोई भी नृत्य की कला हो, वो यहाँ प्रदर्शित करते हैं, तो उन्हें हिंदुस्तान हस्तशिल्प महोत्सव के आयोजक समिति के सौजन्य से सबको सम्मानित किया जाता है। और दूसरी बात यह है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा ये प्लेटफॉर्म है, मंच है, कलाकार यहाँ आकर के बहुत ही अभिसंचित और गौरवान्वित अपने आप को महसूस करते हैं, और यहाँ हम प्रतिदिन 2 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक अपने प्रोग्राम का संचालन हम और मनीष जी के साथ दोनों ही लोग हम लोग करते हैं। बहुत मनीष पंडित जी, जी कैसा लग रहा है हिंदुस्तान हस्तशिल्प महोत्सव के मंच पर, उसके साथ साथ तमाम उन लोगों से आप मिल रहे हैं कि जिनकी कला, जिनकी प्रतिभा को कहीं ना कहीं मंच नहीं मिल पाता, और वो कलाकार जो हस्तशिल्प, हाथ से निर्मित वस्तुओं को बनाते हैं, उनको भी कहीं ना कहीं इतना बड़ा मंच आप लोग ने दिया। बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करूंगा हमारे आयोजक आदरणीय प्रताप सिंह जी और गुंजन वर्मा जी, जिन्होंने इतना शानदार आयोजन रखा। जैसे आपने अभी पूछा कि क्या खासियत है, तो सबसे बड़ी खासियत इस महोत्सव की ये है कि इस महोत्सव में आपको पूरे हिंदुस्तान से, यानी हर प्रदेश के खान पान, परिधान, साजो सज्जा के सामान के साथ आपको इस मंच पर
हर प्रदेश का जो लोक नृत्य है, जो संस्कृति है, जो पहनावा है, वो सबसे आपको रूबरू कराएगा। तो अगर हमारे जो लखनऊ वासी हैं वो अगर पूरे हिंदुस्तान को एक साथ देखना चाहते हैं तो वो इस मेले में आए। यहाँ पर उनको लोक कलाओं के विविध रंग देखने को मिलेंगे, विभिन्न पकवान जो हर प्रदेश में अलग अलग तरह के जो स्वाद हैं वो मिलेंगे, और पहनावे मिलेंगे, साजो सज्जा के सामान मिलेंगे, और उसके साथ साथ भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम जो यहाँ पर रोज प्रस्तुत होता है। कभी कश्मीर की गजलें सुनेंगे तो कभी अवध का घराना सुनेंगे। अभी कल परसों में हमारे बहुत ही अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्ध गज़लकारा आई थी झिंगरन मैम, जो कि अगर आपने उनको सुना होता तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते। अभी मालवीय का हरिओम जी आई थी। बहुत बड़े बड़े कलाकार इस मंच पर आते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हैं। तो ये बहुत ही भव्य मंच है, और ऐसे भव्य मंच पर इतने बड़े कलाकारों का आना ये अपने आप में लखनऊ में अनोखा है, और लखनऊ वासियों को अगर कुछ अनूठा और कुछ अच्छा देखना है तो उन्हें यहाँ जरूर आना चाहिए। ये थे आर्यन प्रताप सिंह और उनकी टीम। हिंदुस्तान महोत्सव जितना बड़ा नाम है उतना ही बड़े मैदान में इस भव्य महोत्सव का आयोजन किया जाता है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इस महोत्सव को देखने के लिए दूर दराज से लोग आते हैं। हस्तशिल्प, हस्तकला से निर्मित वो वस्तुएं यहाँ पर देखने को मिलती है जो शायद किसी महोत्सव या किसी भी मेले में देखने को नहीं मिलती। उम्मीद है हिंदुस्तान हस्त महोत्सव के लिए आपकी क्या राय है, कुछ बताइएगा जरूर। नमस्कार।